नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मनगमा पुरानी बस्ती में घर में आग लगने से एक साल के बच्चे और मां की मौके पर हुई मौत, पुलिस जुटी जांच में। मनगमा पुरानी बस्ती में घर में आग लगने से मां बेटे की मौके पर हुई मौत। मनगमा की पुरानी बस्ती में घर में आग लगने से मां और उसके एक साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मनगमा पुलिस जांच में जुटी। मनगमा में मां सहित एक साल के बेटे की घर में आग लगने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। मौत किस वजह से हुई, आग किस वजह से लगी हुई, तमाम ऐसी बातें जो अब पुलिस जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार महिला के घर का दरवाजा बंद था अंदर से। महिला घर के अंदर खाना बना रही थी, उसी दौरान ना जाने क्या हुआ, कैसे घर में आग लग गई, जबकि घर का दरवाजा बाहर से बंद था, जिसकी वजह से महिला का मासूम बच्चा और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मनगमा थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती की है, जहां अमित वर्मा का परिवार रह रहा था। सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे घर से अचानक धुआं उठता देख आसपास के लोग पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, जहां पर अमित की पत्नी अंजना और उसका एक साल का मासूम बेटा अर्पित आग में बुरी तरीके से झुलस चुका था। इस बात की जानकारी तत्काल ही मनगमा पुलिस को दी गई। मनगमा पुलिस सूचना पाते ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने मां बेटे के शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। आग किन कारणों के चलते लगी, इसकी जानकारी अब पुलिस जुटा रही है। बताया जाता है घर के अंदर से दरवाजा बंद था, मोहल्ले वालों ने दरवाजा तोड़ा था, जबकि महिला चूल्हे में खाना बना रही थी। तमाम ऐसे सवाल जिसके जवाब अब पुलिस को खोजना है। सबसे बड़ा सवाल, दरवाजा अंदर से बंद था, आग कैसे लगी, जिसके चलते पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है, हम सारे तथ्यों को दिमाग में रखकर एक एक बात की जांच कर रहे हैं, उससे जो निकल कर आएगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी बात, मनगमा में मां सहित एक साल के बेटे की घर में आग लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। अपनी तरीके का ऐसा मामला जिस पर काफी दिनों बाद आया। मां बेटी की मौके पर ही मौत होने की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। उनका बेटा महज 1 साल का था। मिली जानकारी के अनुसार मां घर में खाना बना रही थी, उसी दौरान आग लग गई। आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। मोहल्ले वालों ने जब घर से धुआं निकलता देखा तो तत्काल ही वहां एकत्र हुए। घर का दरवाजा तोड़कर जब उन्होंने देखा मां और बेटे की आग से झुलस जाने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई थी। पूरे मामले को लेकर हमने रीवा के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से बात की। लगभग 1 घंटे पहले की घटना है। मनगमा पुराने अस्पताल के पास में एक वर्मा परिवार का घर था, जिसमें ऊपर से आग लगने के बाद दिखने के बाद आसपास के लोग दौड़े और उनका दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे, जहां पे ये अमित वर्मा की पत्नी है अंजना वर्मा, जिनकी लगभग उम्र 25-26 साल बताई जा रही है, ये और इनका पुत्र अर्पित वर्मा, 1 वर्ष उनकी उम्र है, दोनों जो आग से घायल जल करके उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनको अभी पुलिस पहुंचने के बाद उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है। अभी ये जांच की जा रही कि आग कैसे लगी है, अभी तक आग लगने का कारण क्या है ये पता नहीं है, वहाँ खाना बनाते समय जली या और अन्य कारण किससे जली, ये अभी वो जाँच चल रही है। बस एक परिवार अभी जो है जिनको बताया गया, जो हमने बताया अंजना और उनका बेटा अर्पित, बस दो के अलावा अभी कुछ जी। अभी 1 घंटे पहले की घटना है, जो जानकारी थी मैंने आपसे शेयर की है, और जानकारी जो मिलेगी आगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।